वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त शेर मुर्तज़ा अली हुसैनी, एमए करंट टीवी न्यूज़ स्टैंड में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रियासतों को अहम हिदायत जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आइंदा समाअत की तारीख 1 अक्टूबर तक अदालत की इजाज़त के बगैर हिंदुस्तान भर में कहीं भी कोई भी जायदाद मुनहदम नहीं किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इस हुक्म का इतलाक अवामी सड़कों, फुटपाथ वगैरह पर किसी भी गैर मजाज तामीर पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ज़ेर इख्तदार रियासतों में बुलडोज़र कार्रवाई के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलोर शहर में इतवार के रोज़ 2 बाइक पर सवार 6 कमसिन लड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराते हुए फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने कहा कि इनके ख़िलाफ़ उस वक्त केस दर्ज किया गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें लड़कों को आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाते हुए शहर के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए देखा गया। वीडियो की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वाकये में इस्तेमाल होने वाली 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए गए। वीडियो की गर्दिश करने के बाद बजरंग दिल और बीजेपी के कारकुनों ने सिटी पुलिस स्टेशन के करीब एहतजाज किया और मलूस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। के साथ नाजरीन खबरनामा यही अख्ताम वजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।